लोकसभा चुनाव पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां मतदान एक चरण में 11 अप्रैल को है, मगर बीजेपी को अभी से ही एक सीट पर जीत मिल गई है। अरुणाचल की आलो ईस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन तक केंटो के सामने कोई वैध उम्मीदवार न होने पर उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। अरुणाचल वेस्ट से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी और केंटो को बधाई दी। रिजिजू ने ट्वीट करके लिखा, हमने पहला गोल कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की आलो ईस्ट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और आलो ईस्ट के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहली जीत के लिए बधाई। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों और 60 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। 23 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे। अरुणाचल में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। नामांकन पत्रों की छटनी 26 मार्च को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की तारीख 28 मार्च रखी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा भरा। वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तापिर गांव ने अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट से अपना पर्चा जमा किया। मीडिया सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार रोमक जामोहने भी अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए नामांकन पत्र दायर कर चुके हैं। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा। चुनावों के नतीजे 23 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार के चुनावों में 18 से 19 वर्ष के बीच की उम्र के 1.5 करोड़ युवा मतदान करेंगे। यही नहीं, इस बार चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए 10 लाख पोलिंग बूथों का इंतजाम किया गया है।